हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। वीकेंड कर्फ्यू की गाइडलाइन को लेकर रानीवाड़ा पुलिस ने किया फ्लैग मार्च। रानीवाड़ा कोरोना के बढ़ते प्रभाव को लेकर राज्य सरकार तो काफी चिंतित और सतर्क नजर आ रही है एवं कोरोना पर नियंत्रण पाने के लिए विभिन्न प्रयास भी कर रही है, जिसके तहत ज्यादा संक्रमण वाले स्थानों पर बंद रखकर जनता को राहत पहुंचाई जा रही है। इसी क्रम में सरकार के द्वारा विगत दिनों रविवार को वीकेंड कर्फ्यू लागू करने के आदेश जारी किए गए थे, जिसके तहत संपूर्ण प्रदेश भर में इसका पालन करवाने के लिए प्रशासनिक अधिकारियों को आदेश जारी किए गए हैं। इन आदेशों के तहत रानीवाड़ा कस्बे में उप जिला कलेक्टर प्रकाश चंद्र अग्रवाल, तहसीलदार नारायण लाल सुथार एवं पुलिस उपाधीक्षक शंकर लाल के मार्गदर्शन में रानीवाड़ा पुलिस ने थाना अधिकारी पद्माराम राणा के नेतृत्व में रविवार सुबह वीकेंड कर्फ्यू का पालन करने के लिए व्यापारियों को सूचित किया एवं फ्लैग मार्च निकाला। रविवार सुबह पुलिस प्रशासन के द्वारा अपने वाहन से प्रचार एवं फ्लैग मार्च कर व्यापारियों को सब्जी, दूध, मेडिकल स्टोर एवं फल फ्रूट के व्यापारियों के अलावा अन्य प्रतिष्ठानों को बंद रखने के आदेश दिए गए एवं ग्रामीणों को भी बेवजह घर से बाहर नहीं आने की हिदायत दी गई। हालांकि कस्बे का संपूर्ण बाजार कर्फ्यू के तहत पूर्णतः बंद रहा। जागरूक टीवी के रानीवाड़ा से विद्या मदन माहेश्वरी की रिपोर्ट।